पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक होनी है। इस दौरान 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर चर्चा होगी। इसी बीच कुछ विपक्षी दलों ने खुद को बैठक का केंद्र बताते हुए अपने अपने दावे करना शुरू कर दिया है। पहले यह बैठक 3 बार टल चुकी है। सपा ने अपनाया अपना एजेंडा, क्या है उनका प्लान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पटना में लगाए गए हैं क्योंकि शीर्ष विपक्षी दल की पटना में भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए बैठक है। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स पर भगवान श्री राम की तस्वीर है और उस पर रामचरितमानस भी लिखा हुआ है। होर्डिंग्स में बीजेपी मुक्त भारत का नारा देकर यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी ने बेरोजगारी, गुंडागर्दी और महंगाई बढ़ा दी है। होर्डिंग्स में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें भी थी। सपा के होर्डिंग से साफ है कि अखिलेश बीजेपी के खिलाफ हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश खुलेआम भगवान राम और रामचरितमानस का सहारा ले रहे हैं। जदयू और राजद ने भी यह रणनीति अपनाई है और सीट का नाम रघुवरपुरम रखा है। वही सपा की तरफ से विपक्षी बैठक का अलग से पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नीतीश और तेजस्वी के अलावा विपक्षी पार्टी के किसी और नेता का फोटो नहीं है। इस स्वागत पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश यादव विपक्षी दलों से अपील कर रहे हैं कि आओ मिल संकल्प करें, देश बीजेपी मुक्त करे। वह बेरोजगारी, दंगाई और महंगाई जैसे मुद्दों के खिलाफ सबको एकजुट करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।